अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ चिकन मेथी का सालन। ये है मेथी, बड़ी मेथी। ये मैंने लिया है 3 टमाटो सॉस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची। ये है 4 मीडियम प्याज, इसको भी बारीक कट कर लेना है चॉपर में। ये है 1/2 kg चिकन। इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता और दालचीनी। ये प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, आप प्याज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और मेथी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिला देंगे, ब्राउन होने देंगे 1-2 मिनट तक। ये प्याज हो चुकी है थोड़ी रेड, मैं इसमें अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भून लूँगी। भून लेंगे 1 मिनट तक, रखेंगे इसको, अच्छी स्मेल चले जाती। तो इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे। ये है मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ले लिया है, अच्छे से इसको मिला दिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटो सॉस, आप लोग टमाटो को भी इसके भी डाल सकते हैं, बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। टमाटो सॉस डाल दिया है, फिर इसमें हम धीमी आंच पे 1 मिनट तक पक ले देंगे। हो गया है, ये तेल छूट दिया थोड़ा। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे इसको, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड करके धीमे पे कुकर का ढक्कन लगा देंगे। आप लोग नहीं लगाए तो भी चलता है, गोश्त जल्दी होने के लिए लगा रही हूँ। ये अच्छे से मिला दिया है, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, 5 मिनट तक पक देंगे, 5 से 10 मिनट तक। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है, प्याज भी पूरी हो गई। ऐड करती हूँ अब मेथी और थोड़ी सी कोथमीर और मेथी डाल के इसमें हम 5 मिनट धीमे पे रख देंगे दम पे। रेडी हो गया है, अल्लाह हाफिज़।